आगामी गणेश विसर्जन के पर्व के मद्देनजर यवतमाल जिले के दिग्रस शहर में विसर्जन मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली है। सोमवार को इस पहल का आगाज तो हुआ, लेकिन अब भी शहर के अंदरूनी बदहाल रास्ते मरम्मत को तरस रहे हैं। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की यह खास रिपोर्ट। दिग्रस शहर में महावितरण विभाग और नगर पालिका प्रशासन के अधिकारियों ने सोमवार को विसर्जन मार्ग का दौरा कर इस मार्ग की समस्याओं को हटाने का काम शुरू किया है। इस दौरान कमान गेट परिसर से एक बिजली के खंभे को हटाया गया, जो विसर्जन मार्ग में राह का रोड़ा साबित हो रहा था। या मार्गामध्ये जो आमचा विद्युत खंबा होता तो खूप अडचणीचा खंबा होता आणि तो खूप कालावधीपासून सगळ्यांना होती, त्याच्यामध्ये आम्हालासुद्धा रेड झाला काम करण्यामध्ये। शेवटी देर आहे दुरुस्त यांनी तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यांनी, तुमच्या सगळ्या पाठपुराव्यांनी आणि आमच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे तो खंबा आपण एका 2 दिवसामध्ये पोझिशन आपण चेंज केली, जेणेकरून जो तुम्हाला जो आपल्या निर्मितीला जो अडथळा आहे तो अडथळा आता होणार नाही, त्या विद्युत खंबामध्ये अडथळा होणार नाही। आणि आपली विसर्जन मार्ग की समस्याओं को दूर करने के साथ ही गणेश मूर्ति को विसर्जित करने हेतु नदी में उतरने के लिए किनारे पर सीढ़ियों के निर्माण का काम भी शुरू होने में है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की सतर्कता और मुस्तैदी को लेकर स्थानीय नागरिकों ने भी खुशी जाहिर करते हुए प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। आज जवळपास माझ्या हिशोबानं मी इतक्या वर्षाचा गणपती विसर्जन महोत्सव पाहतो, दुर्गोत्सव पाहतो, हा ऐतिहासिक प्रसंग या दृष्टीनं आहे की गणेशोत्सव मंडळ शांतता कमिटीचे सदस्य आहेत यांनी विनंती केली काळाच्या आधी, म्हणजे 1 महिना आधी सगळ्यांना प्रशासनाला तिथं बोलावलं की सांगितलं आमच्या अडचणी आहेत। प्रशासन यंदा पहिल्यांदा इतकं तत्पर दिसून राहिलं की पहिली जी शांतता कमिटीची मीटिंग होणार आहे त्याआधी त्यांनी जवळपास जे मंडळाचे जे प्रॉब्लेम होते ते सॉल्व करून टाकले। MSCBचा इतक्या वर्षाचा अडचणीचा विषय होता खंबा, तो बोबडे साहेबांनी त्यांच्या सहकार्यातून त्यांनी केलं। आता हे स्टेप्स टाकायच्या इथं, कारण इथं निसरडं म्हणजे घसरगुंडी होत होती, नगरपालिका प्रशासनाने इतकं फास्ट स्टेप घेतली आणि वर्क ऑर्डर काढून हे कामाला सुरुवात होऊन राहिली। आज माझ्या मते खूप मोठा प्रसंग आहे, प्रशासन गणपती गणेशोत्सव म्हणा किंवा समाजासाठी म्हणा की पुढाकार घेऊन पुढे आलेला आहे। आम्ही त्या सर्व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं अभिनंदन करतो आणि असंच सहकार्य प्रशासनाला जनतेतर्फे मिळेल याची मी त्यांना खात्री। एक तरफ स्थानीय प्रशासन ने विसर्जन मार्ग की समस्याओं को दूर करने के लिए जो तत्परता दिखाई है वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब भी शहर के अंदरूनी रास्तों के मरम्मत का काम बाकी है। हालांकि NBCN न्यूज की हाल ही में शहर की बदहाल सड़कों पर जारी हुई खबर के बाद स्थानीय प्रशासन ने खानापूर्ति के नाम पर शहर की सड़कों के गड्ढों को भरने के लिए मिट्टी और गिट्टी की चूरी फेंक कर मरम्मत के नाम पर लीपा पोती कर हाथ खड़े करने का प्रयास किया है। जबकि आगामी दिनों में गणेश विसर्जन के साथ ही ईद मिलाद का पर्व भी धूमधाम से शहर में मनाया जाएगा। ऐसे में इन दोनों उत्सवों पर निकलने वाले जुलूस और रैलियों की सुविधा के लिए स्थानीय प्रशासन को सड़कों की ठीक तरह से मरम्मत करना जरूरी है, क्योंकि आगामी उत्सव और त्योहारों की खुशी के मद्देनजर डर है कि कहीं खुद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही बाधा न बन जाए। आगामी गणेशोत्सव के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने हरकत में आते हुए गणेश विसर्जन की रैली का जो मार्ग होता है उसकी मार्ग में आने वाली सारी बाधाओं को दूर करने का काम शुरू किया है। इसी तरह से दिग्रस शहर के कमान गेट और शनि मंदिर परिसर में हम जिस रास्ते पर खड़े हैं यहाँ से बड़े पैमाने पर गणेश विसर्जन के लिए ट्रैक्टर और DJ यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल था उसको यहाँ स्थानीय प्रशासन ने हरकत में आते हुए हटा दिया गया है। और स्थानीय प्रशासन ने गणेश मंडलों को ये भी सूचना जारी कर दी है कि उनका जो भी DJ है या ट्रैक्टर है उसकी जो सजावट है वो 9.5 फीट से ज़्यादा ना हो, इस तरह का उन्होंने यहाँ पर सूचना जारी कर दी है। हम आपको बता दें कि दिग्रस शहर में आगामी दिनों में ही बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव मनाया जाने वाला है और साथ ही गणेश विसर्जन और ईद मिलाद का एक बड़ा त्यौहार यहाँ पर इस शहर में मनाया जाने वाला है, तो उसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जो तैयारियाँ शुरू कर दी है वो काबिले तारीफ तो है, लेकिन शहर के अंदरूनी रास्ते अब भी मरम्मत को तरस रहे हैं और आगामी दिनों में ये जो दोनों उत्सव एक दिन में एक ही दिन पर जो मनाए जाने वाले हैं वहां पर कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, तो शहर के जो रास्ते हैं उसकी भी तत्काल रूप से युद्ध स्तर पर मरम्मत की जाए, यही मांग यहां पर की जा रही है। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान।